नमस्कार। हस्तरेखा विज्ञान देखने वाले सभी दर्शकों का सहस्नेह स्वागत है। जीवन में हो रही सुखद और दुखद घटनाओं का सिलसिला शुरू करते हैं कुछ चुनिंदा रेखाओं के द्वारा। जैसा कि आप पेज नंबर 12 में देख रहे हैं, इस चित्र को आप बड़े ध्यान से देखिए। जीवन रेखा के शुरुआत में यदि किसी भी व्यक्ति की रेखा पर क्रॉस का निशान यदि दिखाई दे तो व्यक्ति के जीवन भर दुर्घटनाएं दुखद घटनाएं लगभग साथ ही रहती है। दुर्घटनाएं अर्थात जीवन में दुख देने वाली घटनाएं। अब दुख कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मानसिक दुख, आर्थिक दुख, शारीरिक दुख या परिचित वालों के द्वारा प्रताड़ना। ऐसा व्यक्ति कई बार जीवन में अपने हाथ पांव अथवा शरीर में टांके जरूर लगाता है। अब व्यक्ति किसी भी प्रकार के प्रयास कर ले, जितने भी वो प्रयास करे लगभग पूरे असफल रहते हैं, क्योंकि इसकी जड़ जो है गुरुदेव और मंगल के कारण होता है। ऐसा यूं कहें कि जब तक इनकी जड़ पर व्यक्ति ध्यान नहीं देगा, जीवन में आने वाली दुखद घटनाएं उसका साथ ही नहीं छोड़ सकती है। और जैसा कि नंबर 2 पर आप बड़े ध्यान से देख रहे हैं, जहां नंबर 2 डला हुआ है वहां क्रॉस का चिन्ह अर्थात जीवन रेखा के अंत में यदि क्रॉस का चिन्ह किसी भी मानव की हथेली पर है तो व्यक्ति लगभग पूरी तरह से मानसिक रूप से कमजोर होता है। शरीर से हालांकि व्यक्ति डील-डॉल बड़े आकार का दिखे, मजबूती में दिखे, लेकिन अंदर का जो उसका दिल होता है बड़ा ही कमजोर होता है। ऐसा व्यक्ति छोटी सी परेशानी आने की बात घबरा जाएगा। अगर कोई झूठी ही इसको धमकी दे दे तो व्यक्ति को पसीना आ जाएगा। अगर ऐसे व्यक्ति को कोई अगर देखना चाहता है, एक नकली पिस्टल लेकर उसके मस्तिष्क पे यदि लगा दी जाए और फिरौती की यदि मांग कर दी जाए तो जितना भी उसके पास पैसा होगा डर के मारे वो पूरा धन निकाल के रख देगा। ऐसे व्यक्ति एक बार ही नहीं लगभग पूरे जीवन भर मानसिक कमजोरी के कारण उनके जो मन की कल्पना होती है, मन की शक्ति होती है, बहुत ही कमजोर होती है। और इसी मानसिक शक्ति की कमजोरी के कारण ऐसे व्यक्ति लगभग हिम्मत हारने के कारण कई ऐसे अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं, ऐसे अवसरों को छोड़ देते हैं जो उनके लिए बहुत ही भाग्यशाली होता, उनके लिए बहुत ही उन्नतिदायक होता। इसीलिए अगर ऐसे लोग हैं और उनके हाथ में ऐसा चिन्ह देखा जा रहा है तो केवल और केवल वो व्यक्ति केतु और राहु देव को यदि आराधना, प्रार्थना या अन्य कारणों से बचाना चाहे तो मन की शांति के साथ ही मन दृढ़ हो जाएगा और व्यक्ति चाहे वो झूठी धमकियां हो या थोड़ी सी परेशानी हो, छोटी छोटी परेशानी पे कई बार व्यक्ति घबरा जाता और बनते काम बिगाड़ लेता है। छोटी मगर मोटी बहुत ध्यान देने वाली बातें होती हैं, इसीलिए व्यक्ति को इन बातों पे खासकर ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि आप हाथ नंबर 13 में देख रहे हैं, हाथ नंबर 13 में आप बड़े ध्यान से देखिए, अक्सर ऐसे हाथ हमारे पास औरतों के ज्यादा होते हैं। और यदि ऐसी रेखा है जैसा कि आप इस हाथ नंबर 13 में देख रहे हैं, हाथ नंबर 13 में आप सीढ़ीनुमा आकृति देख रहे हैं। जीवन रेखा किसी भी भाग से सीढ़ीनुमा हो सकती है, चाहे शुरुआत में अर्थात पहली उंगली के शुरुआत से या मणिबंध के अंत तक या मध्य अर्थात बीच के भाग से। अगर ऐसी रेखाएं किसी के हाथ में हैं तो वो व्यक्ति केवल और केवल सेहत कमजोर कर बैठेगा, और सेहत अक्सर ऐसी खराब नहीं हो सकती। शारीरिक कमजोरी में कई प्रकार की भिन्न भिन्न बीमारियां हो सकती हैं, चाहे कब्ज हो, एसिडिटी हो या अन्यत्र होने वाली कोई भी बीमारियां हो। शरीर में किसी न किसी प्रकार का रोग मधुमक्खियों की तरह घेरा डाले ही रहेगा। बस फिर क्या होता है, बेचारा जो बीमार होता है, रोगी होता है, इसकी दौड़ कहां तक होती है।
वैद्य, नीम, हकीम या डॉक्टर्स तक। और डॉक्टर्स करते क्या हैं? जहां व्यक्ति को महीने भर की खुराक के लिए एक टोकरी फल फूल होना चाहिए, सूखे मेवे होने चाहिए, डॉक्टर वहां एक टोकरी भर कैप्सूल, टैबलेट्स, इंजेक्शन और सिरप लिखते हैं। आप स्वयं सोचिए, जब एक टोकरी कैप्सूल, टैबलेट्स, सिरप और इंजेक्शन का उपयोग कोई करेगा तो शरीर स्वस्थ होने की बजाय उल्टा हानिकारक हो जाएगा, अस्वस्थ होगा। जहां व्यक्ति को दूध पीना चाहिए वहां पर बेचारा सिरप का उपयोग करता है, जहां उसे फलों का जूस पीना चाहिए वहां इंजेक्शन का जूस पीता है, जहां सूखे फल मेवे खाना चाहिए वहां पर टैबलेट और कैप्सूल का उपयोग करता है। और ये मेडिसिन्स, रासायनिक जूस, रासायनिक केमिकल मिले हुए सिरप तेजाब से कम नहीं होते। जैसे अगर किसी की साइड पर तेजाब डाल दिया जाए और 2 घंटे बाद आप उस साइड को थोड़ा सा खींच कर देखना, आराम से फट जाएगी, 2 टुकड़ों में तब्दील हो जाएगी। ऐसे ही आपके शरीर का तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम बिल्कुल ढीला हो जाता है, गल जाता है। आखिरकार व्यक्ति चाहता कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, अच्छा होने के बजाय दिन पर दिन उसका स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है। पैसे तो जाते ही हैं, समय जाता, शरीर जाता, आने वाले समय में व्यक्ति का शरीर इतना जर्जर कमजोर हो जाता, मानो गल ही जाता है। और इन कारणों से व्यक्ति जहां 90 साल जीना वहां बस 40 या 50 साल ही जी पाता है। तो जिनके हाथ में सीढ़ी नुमा रेखाएं यदि देखें, वो व्यक्ति ज्यादातर नीम, हकीम या डॉक्टर्स की दायरे में न जाकर जो हमारा खान पान है उस पर ध्यान दें। और इसकी मुख्य जड़ होती है, जैसा कि शुक्र के बगल से रेखाएं निकल रही है तो यह अक्सर शुक्रदेव की दशा से ही होता है। अब कुछ लोग आपको जड़ी बूटियां खिला दें या रासायनिक दवाइयां खिला दें, तो इस बात को अच्छी तरह नोट कर लें आप कि रासायनिक दवाइयां हमारे शरीर को गलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। जैसे अगर किसी को खुजली की बीमारी हो और तेजाब डाल दिया जाए तो खुजली तो मिट जाएगी लेकिन आपकी त्वचा गल जाएगी। बस ऐसे ही आपका नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र होता है। पूरे बॉडी के अंदर कम से कम खरबों की संख्या में नर्वस सिस्टम यानी नसें होती है, ट्यूमर सेल्स होती हैं। यदि आप 1 कप चाय पीते हैं तो आपकी 1000 ट्यूमर सेल्स नष्ट हो जाती है। और वही हमारे सोचने समझने की शक्ति होती है, हमारे अंदर जो दृढ़ विश्वास होता है, दृढ़ता होती है, उत्तेजना होती है, वो वहीं से शुरू होती है। इसीलिए केवल नमक ग्रह के अधीन होकर आप इनसे मुक्ति पा सकते हैं, अन्यथा डॉक्टर्स की चमचागिरी तो आप कर ही रहे और करें, बाकी क्या होना आप स्वयं देख सकते हैं। जैसा कि आप पेज नंबर 14 में देख रहे हैं, इस हाथ को बड़े ध्यान से आप देखिए, इस हाथ की रेखा है लगभग पूरी दुनिया के अंदर, लगभग पूरी दुनिया के अंदर 2% लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा आपस में एक ही बिंदु पर मिल रही है। यदि ऐसी रेखाएं किसी भी प्राणी के हाथ में एक ही बिंदु पर हैं, तो व्यक्ति अक्सर अपनी स्वाभाविक कमजोरियों के कारण अपने आप को, स्वयं को जोखिम वाले कामों में डाल देता है। कई बार तो ऐसे व्यक्ति स्वाभाविक कमजोरियां, कई बार इन लोगों का स्वभाव किसी की बात को पूर्ण रूप से मान लेना या मन की बात मानना या अपनी अपनी चलाना, अक्सर ऐसे व्यक्ति मन की बात मानते हैं, क्योंकि मन हमारे दिमाग की एक परछाई होता है। इसीलिए ऐसे लोग कई बार या तो जोखिम में डालकर अपने शरीर को ही गंवा बैठते हैं। अगर ऐसा ना भी किया गया तो आयु के लगभग अभी तक हमने जो अध्ययन किया है, ऐसा व्यक्ति, एक व्यक्ति आया 25 वर्ष की उम्र में और अक्सर हमने 30 साल का ऐसा व्यक्ति नहीं देख पाया अभी तक। जिन व्यक्तियों की रेखाएं एक बिंदु पर तीनों मिल जाएं, वो व्यक्ति या तो हत्या के शिकार हो जाते हैं, किसी भी व्यक्ति के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। कारण कई प्रकार के हो सकते हैं, आजकल दुश्मनी भी रूप धारण कर सकती है,
या व्यक्ति ऐसे गलत इलीगल काम कर देगा ताकि ना चाहे कर भी उसके दोस्त, उसके चाहने वाले उसको मौत के घाट उतार सकते हैं। ऐसा हम आप लगभग रोज आए दिन न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स पर प्रतिदिन देखते हैं और सुनते हैं। तो ऐसे रेखाओं वाले व्यक्ति यदि हैं तो अभी उनको समझ जाना चाहिए। जैसा कि कहते हैं, बचाव ही उपचार है, अन्यथा बाद में केवल पछताव है। आदमी को पता नहीं होता कौन सा समय चल रहा है, क्या होने वाला है। बस अपनी मस्ती में हर प्राणी मस्त रहता है, उसे पता ही नहीं कि अलार्म कितने बजे का इस शरीर रूपी घड़ी में भरा हुआ है और कब ये अलार्म बज जाए, कब इस शरीर का घंटा बज जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए ऐसे लोगों को हमेशा सावधान रहना चाहिए ताकि जीवन में होने वाली अचानक मौत से बचा जा सके। हाथ नंबर 15 को आप बड़े ध्यान से देखिए। अगर किसी भी प्राणी के हाथ में, चाहे वो नर हो, नारी हो, बालक हो, बालिकाएं हो या कोई भी हो, अगर जीवन रेखा से ऊपर उठती हुई रेखाएं जा रही हो और उन रेखाओं को ठीक आड़ी रेखाएं काट रही हो, जैसा कि आप चित्र नंबर 15 में देख रहे हैं, अगर ऐसी रेखाएं किसी भी प्राणी के हाथ में है, अब वो चाहे कोई कलेक्टर हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो या कोई भी बड़ा आदमी हो या कोई छोटा सा आदमी हो, यहाँ बड़ा छोटा नहीं चलता है, सब बराबर होते हैं। इसीलिए इन व्यक्तियों को जीवन के आयु के उस भाग में जहाँ आप रेखाएं कटती हुई देख रहे हैं, मुकदमा निश्चित रूप से होगा ही। यहाँ पर आपको ब्रह्मांड की कोई शक्ति बचा नहीं सकती। कई लोग जो अक्सर पढ़े लिखे होते हैं, अरे भाई मैं ऐसी कोई गलती करूंगा ही नहीं, होगा कैसे, ठीक है नहीं करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखें, जैसे आपको पता नहीं होता, अक्सर यदि ऐसा हर कोई सोचे कि मैं करूंगा ही नहीं, तो रोज मुकदमे होते, दुर्घटनाएं होती, वारदातें होती। क्यों? केवल ध्यान देने वाली यह बात कि इसको कराने वाला कोई दूसरा ही होता, कब कहां कराएगा, कैसे कराएगा, वो बड़ी रहस्यमय बातें होती। इसलिए ऐसा दम भरना बेवकूफी से कम नहीं होता कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, वो हो जाएगा अपने आप। इसका प्रमाण यह है कि हम और आप प्रतिदिन देख रहे हैं। किंतु अच्छी बात यह है कि ऐसे व्यक्ति मुकदमा से बरी हो जाएंगे, कानूनी तलाक हो जाता। अक्सर हमने अभी तक अनुभव करके देखा, हमारे भारत में अक्सर हनुमान जी के भक्त बहुत हैं और लोगों की गलत धारणा है कि हनुमान जी मंगल है। हनुमान जी भगवान शिव का एक रुद्र अवतार है, साक्षात शिव का ही एक अंश है। मंगल एक ग्रह है पृथ्वी पुत्र। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, करयुग और कलयुग, ये पांचवा युग चल रहा है जिसे करयुग कहते हैं। आप आज के युग में जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये कर युग है, हाथ का युग। तो ग्रह की बात की जाए, नमक ग्रहों का उद्भव लगभग सृष्टि के आरंभ से ही हुआ। भगवान राम के 9 दिन बाद, भगवान राम का जन्म हुआ, ठीक उसके 9 दिन बाद हनुमान जी का जन्म भी हुआ। और ये सारी बातें त्रेता युग की हैं। इसलिए गलत धारणा हटा दें। अक्सर हमने कई विद्वानों को देखा, कहते हैं भाई मैं तो हनुमान जी का भक्त हूं, कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। और वही बात हमने ज्यादातर देखी, जो खासकर हनुमान जी के भक्त होते हैं उन्हीं पर मुकदमा चलता है, और ना हो तो अपनी रेखाएं मिलाए। और आप स्वयं को जो अनुभव करते हैं कि हम हनुमान जी के भक्त हैं, आप पर ही लगभग मुकदमा भी चल रहा है, आप दिल पर हाथ रख के देखिए। और फिर हनुमान जी वहां कुछ नहीं कर सकते, अरे इसकी जड़ ही कुछ और है। इसलिए डिपार्टमेंट जो होता है ये अलग होता है, यहां पर कोई ईश्वरीय शक्ति काम नहीं आई। अक्सर जो लकीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कर्म की लकीरें होती है। अगर हनुमान जी माफ कर दें तो ब्रह्मांड के अंदर सारा काम माफ हो जाता, मुकदमे कोर्ट कचहरी बंद ही हो जाती है, माफ हो सकता है। इनका एक ग्रह होता है, वो है केवल मंगल और शुक्रदेव, होता उन्हीं के द्वारा है और निपटेगा भी उन्हीं के द्वारा। इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो ज्यादा अक्सर पढ़े लिखे होते हैं और
कट्टर भक्त होते हैं, कट्टर विश्वासी होते हैं, हम उनसे पूछते हैं, आप अपने दिल पर आवाज रखकर पूछिए, क्या आपका मुकदमा नहीं चल रहा है? आप करते तो हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, देवी चालीसा करते हैं, आखिर क्यों आपका मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, परिक्रमा हो रही है, कोर्ट कचहरी की क्यों हो रही है? अगर आप हनुमान चालीसा करते हैं तो फिर आपका मुकदमा बंद हो जाना चाहिए, फिर क्यों नहीं होता? और अक्सर जेल भी हो जाती है। इसलिए गलत फहमी में ना रहें, जिसका जो डिपार्टमेंट होता है उसी का काम होता है। और यदि बचना चाहते हैं तो केवल शनि देव, शुक्रदेव और मंगलदेव, यदि कोई व्यक्ति आराधना, प्रार्थना, यंत्र साधना और पूजन साधना के द्वारा बचना चाहे तो बच सकता है। कई लोग बेवकूफ बनाने वाले भी हैं आजकल, आपको नंग पहना देंगे, पत्थर पहनाएंगे, होता है। अरे पत्थर से यदि होता होता तो वो आसाराम बापू जेल में ही ना जाते, एक से एक संत जितना होते पत्थर ज्यादा पहनते हाथों में। अगर इनका बस चले तो गले में माला पहन ले पत्थरों की, लेकिन वो उनका काम है। इसीलिए आपको चाहिए कि जहां से इसका समाधान होता है उसी पंथ पर जाएं, उसी जड़ पर जाएं और अन्यत्र परिक्रमा न करें। जैसा कि आप पेज नंबर 16 में देख रहे हैं, इस हाथ को लगभग बड़े ही ध्यान से देखें और इसे बहुत ही सीरियस रूप से लें। ऐसे हाथ लगभग 3% लोगों के हाथ में है, ऐसे चित्र या चिन्ह देखे जा सकते हैं। जैसा कि आप हाथ नंबर 16 में देख रहे हैं, जीवन रेखा मध्य भाग पर समाप्त हो रही है, साथ ही उसके बगल में दो समांतर रेखाएं जा रही हैं। यदि ऐसी रेखाएं हैं तो व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, गरीब से गरीब और धनी से धनी व्यक्ति, अपने हाथ को यदि ऐसा पाता है तो अभी और इसी वक्त सावधान हो जाए, क्योंकि आयु के उस पड़ाव में विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति का विनाश आता है तो बुद्धि विवेक को मार कर आता है, वहां उसकी बुद्धि नाम की चीज होती ही नहीं। आप अच्छा कहोगे उल्टा लगेगा, उसकी बुद्धि मानो की विलुप्त हो चुकी है, सो गई, उसे हमेशा हर काम उल्टा दिखेगा। इसीलिए इस हाथ के संकेत जो है बहुत ही विडंबना वाली बात, ऐसी भयंकर मौत होती है इस चिन्ह के द्वारा कि बहुत ही दर्दनाक होती है। एक नमूना आप देख सकते हैं, एक मंत्री महोदय अपने दो पर्सनल असिस्टेंट के साथ जा रहे थे, फ्लाइट लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर जा रहा था, और जैसे ही अचानक इस रेखा के द्वारा जब व्यक्ति का समय लिखा होता है, वैसा ही समय जब वो अपने हेलीकॉप्टर में जा रहे थे और बस समय वहां पूरा हुआ, अचानक उनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आती है और आग लग जाती है। फिर क्या था, 2000 फीट ऊंचाई की दूरी से जब हेलीकॉप्टर नीचे आते आते बड़े ही अंगारों के रूप में, बड़े ही मसालों के रूप में, जलते दहकते अंगारों के रूप में धरती पर आता है, और मंत्री सहित दोनों पीओ का, दोनों पीए चेहरा तो नहीं मिला देखने को, बस हड्डियां ही मिल पाई तीनों व्यक्तियों की। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों की मौत बहुत ही दर्दनाक होती है। अगर ये रेखाएं ना हो तो व्यक्ति की मौत तो होती किंतु दर्दनाक नहीं होती, मौत बता कर आती, नॉर्मली होती है। अगर ऐसी रेखाएं हैं, अब व्यक्ति की समझ में आए कि क्या करें, आखिर ठीक है ऐसा है तो आखिर वो कैसे बचे, क्या करें? इसके लिए अगर ऐसी रेखाएं हैं तो व्यक्ति केवल और केवल अभी प्रतिदिन 10 मिनट का टाइम केवल और केवल शुक्र और गुरुदेव के लिए, चाहे वो आराधना हो, प्रार्थना हो, मंत्र साधना हो, यंत्र साधना हो, या अन्यत्र कोई भी साधना, जैसा भी उचित लगे कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा अन्यत्र, अन्यथा
जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। जैसा कि आप पेज नंबर 17 में देख रहे हैं, किसी भी पुरुष या महिला के हाथ में अगर ऐसी रेखाएं हैं, जैसा कि जीवन रेखा ठीक शुक्र पर्वत तक आ रही है और इसके बाद शुक्र पर्वत से अचानक एक मोड़ लेते हुए चंद्र पर्वत की ओर जा रहे हैं, यदि ऐसी रेखाएं किसी भी प्राणी के हाथ में हैं, अगर वह महिला है तो उस महिला को स्त्री रोग अर्थात दमा, कैंसर या ऐसी गंभीर बीमारियां जिससे बेचारी महिला का शरीर दिन दूना रात चौगुना दिन पर दिन दुबला पतला होता चला जाता, बीमारी है कि मिटने का नाम ही नहीं लेती है और आखिरकार महिला को एक दिन इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ता है। अक्सर होती क्या है महिलाओं की, करें भी क्या बेचारे, रोगी की दौड़ केवल डॉक्टर तक होती है और यहाँ पर निदान और उपचार और कारण कुछ अलग ही होता है। इसीलिए ऐसी महिलाओं को समझाइश दी जाती है कि अगर ऐसी रेखाएं हैं और बीमारियों से ग्रस्त हैं तो केवल और केवल उन्हें शुक्र और चंद्रदेव की शरण में जाना चाहिए। एक बात और आती, अगर ऐसी रेखाएं किसी पुरुष के हाथ में हैं तो वो पुरुष अभी सावधान हो जाए, क्योंकि इनके लिए ऐसी रेखाएं अच्छी नहीं है। वैवाहिक जीवन के ठीक 6 साल या 7 साल बाद इनका जीवन नरकमय हो जाता है, दुखमय हो जाता है। अक्सर ऐसी घटना इस व्यक्तियों के जीवन में स्त्री के द्वारा ही होती है। जीवन में अस्त व्यस्तता आ जाती है, उथल पुथल मच जाती है। एक नमूना यदि आप रामायण में देखें तो एक नमूना आता है, केकई बहुत प्यार करती थी भगवान राम को, राजगद्दी सिंहासन दिलाना चाहती थी, लेकिन अचानक केकई के जिभ्या पर बैठ गई सरस्वती माँ और फिर तो वही हुआ जो ग्रहदेव स्वीकार्य था। इसलिए केकई चाहती थी राज तिलक, लेकिन केकई की जिभ्या पर बैठी सरस्वती ने कहलवा दिया राज तिलक के स्थान पर वनवास। फिर क्या था, भगवान राम वनवास जाते हैं और पूरी अयोध्या को बगर किए की सजा मिल जाती है, मानो अयोध्या नाथ हो गई, कुछ बचा ही नहीं। भगवान राम के जाने के तत्काल बाद राम को अपना सब कुछ मानने के दुख में राजा दशरथ को इस शरीर को छोड़ना पड़ा। यहाँ पर राजा दशरथ की कोई गलती नहीं, गलती केकई की भी नहीं, अरे गलती इन रेखाओं की है। रेखाएं क्या होती हैं आखिर, सोचिए आप, ये रेखाएं आपने बनाई क्या? जी हाँ, आपने ही बनाई है। ये रेखाएं आपके कर्मों का फल होती हैं और रेखाओं को बनाने वाला चित्र और गुप्त यहाँ बैठा होता है। जैसा कि आप फोन यूज करते हैं, आप जैसे ही मोबाइल फोन यूज करेंगे बैलेंस तत्काल बता देगा, और एक आप कस्टमर केयर को फोन लगाएं आप वहां से पता लगा लेंगे, और एक आप स्वयं अपने फोन से देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर होता है, धर्म राज आपका लेखा झोंका देखें ना देखें, लेकिन आपकी टू कॉफी अर्थात फोटो कॉफी आपके हाथ में ही होती। सृष्टि का बहुत अच्छा विधान है कि जब तक वो रेखाओं में दिखाए ना, कोई घटित घटना हो ही नहीं सकती। तो ऐसे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अक्सर कई लोगों की जिनकी बसें चलती थी, अचानक पत्नी की मौत हो गई, पत्नी ने लिखा दिया कि हमें आग लगा के मारा गया, जैसा भी हुआ पति को जेल हुई, जहां जिसकी बसें चलती थी आज वो रोड पर आ गया, फुटपाथ पर आ गया, भीख मांगने की कगार पे आ गया। ऐसे अनंत उदाहरण है, अनंत उदाहरण है जिनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। बस हमारा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ऐसी रेखाओं वाले व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त विवाह के बाद ही होता, और महिलाओं को स्त्री रोग कई बार ले चल बसता है, जिंदगी से ही ले जाता है। अब जिनको ऐसी रेखाएं हैं, आखिर वो क्या करें, कैसे इन रेखाओं से मिजाज पाए, इन रोगों से मुक्ति पाए, क्या करें? तो केवल और केवल चंद्र और शुक्र की शरण में यदि जाएं तो इनको रोगों से मुक्ति मिल सकती है। और जैसा कि आप चित्र नंबर 18 में देख रहे हैं, इस पेज नंबर 18 को बड़े ध्यान से देखिए, अक्सर ऐसी रेखाएं 10% भारत के इंसानों के
हाथों में देखी जा रही है। ऐसी रेखा लगभग उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है जो लोग अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं या जिनका टारगेट होता है विदेश में नौकरी करना। जन्म लेता है व्यक्ति इंडिया के अंदर, जाता है इंग्लैंड, जापान, चीन, अमेरिका, हांगकांग इत्यादि देशों में। तो ऐसी रेखाएं जिनके हाथ में है, जीवन रेखा से लाइन क्रॉस करती हुई सीधा चंद्र पर्वत की ओर जा रही है, ऐसे व्यक्ति एक स्थान पर कम ही टिकते हैं, अक्सर लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। और इनके जीवन में, इनके भाग्य में ही कहें, विदेश में सुख और धन प्राप्ति का योग होता है। ये लगभग लंबी यात्रा अवश्य करेंगे और ऐसे व्यक्ति अक्सर विदेश में देखे जा सकते हैं। अब आप कहेंगे मुझे ऐसा कैसे पता? कई बार हमने फॉरनर के जो विदेशी लोग होते हैं, फॉरनर्स होते हैं, उनके हाथों में ऐसी रेखाएं देखी जो इंडिया के दौरे पर इंडिया का दर्शन स्थल करने के लिए आए। साथ ही इस रेखा का एक गुण और होता, यदि ऐसी रेखाएं किसी के हाथ में हैं, तो वो व्यक्ति जल यात्रा से सावधान रहे। उनकी यदि मौत हो सकती तो केवल जल यात्रा में, जैसे मछली का पानी जीवन होता, मछली का पूरा दबदबा, पूरी शक्ति जल के अंदर ही संगठित रहती, जल के बाहर मछली का कोई औचित्य ही नहीं रहता। ऐसे ही जल में चंद्रदेव का बहुत ही बलिष्ठ स्थान होता है। और यदि ऐसे व्यक्ति धोखे से जल यात्रा करे तो लगभग जीवन से हाथ धो बैठते हैं। एक नमूने के आधार पर रसिया के चार व्यक्ति भारत के मुंबई शहर में डॉल्फिन मछली देखने समुद्र में नाव पर सवार होकर जाते हैं। जैसे ही मुंबई शहर के बंदरगाह पर समुद्र में जा रहे थे, अचानक ऐसी भंवर आई कि चारों के चारों और पांच मार नाविक डॉल्फिन देखने के चक्कर में हमेशा के लिए डॉल्फिन देखते रहे। तो ऐसे लोग लगभग जल यात्रा से सावधान रहे, क्योंकि जल यात्रा में ही इनको मौत का योग बन सकता है, अन्यथा ऐसे लोगों का योग नहीं बनता है। बाकी सुखी होता है, सुखमय होता है। और ऐसे व्यक्ति लगभग जीवन के 50वें वर्ष में दुखमय, निर्धनतापूर्ण और खराब जीवन व्यतीत करते हैं। तो ऐसे लोगों के हाथ में यदि जीवन रेखा है और जीवन रेखा से एक रेखा चंद्र पर्वत की ओर इशारा कर रही है, तो वो लोग लगभग जल यात्रा से सावधान रहे, अन्यथा जल में मौत योग निश्चित होता है। जैसा कि आप पेज नंबर 19 में देख रहे हैं, अक्सर लोगों के मुख से कहते सुना गया है कि परीक्षाओं में, नौकरियों में, राजनीति में फेल हो जाते हैं या उनका काम ही नहीं बनता। तो जिन लोगों के हाथों में, जहां पर आप नंबर 1 में देख रहे हैं, ऐसी रेखाएं हैं, यानी हृदय रेखा निकल कर चंद्र पर्वत पर आ रही है, जाना चाहिए इस रेखा को उंगली के पास, लेकिन आ रही है मुड़कर चंद्र पर्वत की ओर। अगर ऐसी रेखाएं किसी भी व्यक्ति के हाथ में है, तो वो व्यक्ति बड़े ध्यान से इन रेखाओं को मिलाए, उसे हम गोल्डन जुबली कहते हैं, यानी बड़ा ही भाग्यशाली मानव कहेंगे। ऐसे व्यक्ति अप्रत्याशित सफलता जीवन में प्राप्त करते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति जीवन में अचानक सक्सेस हो जाते हैं, दे गेट सडनली सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। उनके जीवन में अचानक अनायासी बिन बुलाए सफलता आ टपकती है। अगर इस आयु में व्यक्ति परीक्षार्थी हो, तो परीक्षा में वो प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में अपनी कक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हो जाएगा। अगर ऐसा व्यक्ति आयु के इस भाग में, कोई युवा नौकरी में अध्ययनरत है या नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, व्यापम का टेस्ट दे रहा है, तो व्यापम पास कर लेगा और उसे नौकरी के लिए, चाहे वो MBBA हो या MBBS हो या कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिशन हो, वो व्यक्ति पूर्ण रूप से सफल हो जाता है। और अगर ऐसा व्यक्ति किसी भी राजनीति वाला है और राजनीति में हाथ डाले है, तो ऐसा व्यक्ति अनायास ही अथाह सफलता एक तरफा जीत प्राप्त कर लेता है राजनीति में।
ऐसे लोग अक्सर नेता, राजनेता, मंत्री या महामंत्री या प्रधानमंत्री देखे जा सकते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में रेखा, हृदय रेखा गुरु पर्वत पर ना जाकर सीधी चंद्र पर्वत की ओर मुड़ रही है, तो वो व्यक्ति अगर कारोबार डालते हैं, स्वयं का व्यापार करते हैं, कंपनी, फैक्ट्री, दुकान, ठेकेदारी का काम करते हैं या कोई बड़ा भारी उद्योग लगाते हैं, इन व्यक्तियों को जीवन में अचानक ऐसी सफलता मिलती है कि इनका नाम सीधा अमीर लोगों की लिस्ट में आ जाता है। टाटा बिरला जैसे व्यक्ति अनायास ही बन जाते हैं। फिर तो बस साथी गण इनके इनको देखकर, इनको उन्नति के मार्ग पर जाता देख ईर्ष्या और जलन के मारे कुछ नहीं कर पाते। और ऐसी रेखाएं किसी भी उन व्यक्तियों के हाथ में हैं जो अभी अपना चुनावी क्षेत्र में भाग आजमाना चाहते हैं, तो वो यकीन मानिए उनका भाग्य बुलंद है और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा या रुकावट नहीं आएगी, उनको एक तरफा जीत हासिल होगी।